बढ़िया रूपंति जी है, सही घूम रहे हो आप तो आराम से। क्या सर्जरी हुई है आपकी? क्या ऑपरेशन हुआ है? गांठ का। कितनी बड़ी गांठ थी? 10 सेंटीमीटर की। इतनी बड़ी गांठ का कहां से पाल के लाए थे? खांसी आ गई। तुम्हारे पेट के अंदर थी, तुम्हें पता होगा। पता नहीं जाने खांसी हो गई मैडम, पता ही होता फिर कौन होने देते हैं ऐसी बीमारी। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा डोलते हैं चक्कर से लगाते हैं। तो ज्यादा नहीं डोलना, जितना अच्छा लग रहा उतना ही। तभी तो क्या 24 घंटे भी नहीं हुए सर्जरी को आपके, तो 12 घंटे हुए। अभी चाय पानी ले लिया? हाँ, चाय बिस्किट ले। अच्छा, और अब सुबह से अपने आप घूम रहे हो? अपना चक्कर वक्कर नहीं आ रहे ना? आराम से नहीं आते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। और ठीक लग रहा है अभी? कोई दर्द तकलीफ परेशानी कुछ? देखो मैडम, दर्द तो थोड़ा बहुत तो होता ही है वैसे, लेकिन देखो अच्छे से घूम रहे हैं, बढ़िया है। तो अब जो ऑपरेशन से पहले डर लग रहा था? डर तो देखो अब तो ऑपरेशन से पहले नहीं लगा, अब भी नहीं लग रहा। ऑपरेशन से पहले डर लगता, फिर नहीं लग रहा था। बहादुर बच्चे थे मतलब, ये है ना। सही है, बढ़िया है। अब देखो दूरबीन से ऑपरेशन हो गया, इतनी बड़ी गांठ निकल गई आपकी। अब आप आराम से नहा धो सकते हो। ये जो ड्रेसिंग लगाई है, ये वाली ड्रेसिंग है। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग है ये वाटर प्रूफ ड्रेसिंग है। तो इस वाटर प्रूफ ड्रेसिंग पे पानी डालोगे तो ये खराब नहीं होगी। अच्छा। और टांकों के अंदर पानी भी नहीं जाएगा। तो आप आराम से नहा सकते हो, बैठ सकते हो, सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हो, नीचे झुक सकते हो और पेट भर के खाना खा सकते हो। अच्छा अच्छा, खाने में कुछ भी खा ले? सब कुछ खाना है। अच्छा। दाल रोटी सब्जी, दूध दही छाछ घी तेल नमक मेरा सब खा सकते हो। खट्टा खटाई भी खा सकते हो, दही छाछ भी ले सकते हो आराम से। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं। कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं पूछना, तो यही पूछना है कि छुट्टी कब तक होगी? छुट्टी बस अब कर देते, मैं थोड़ा राउंड के लिए आज लेट हो गई, आज हमारी मीटिंग थी इसलिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या लगी अस्पताल की, ये बताओ आप। सबसे अच्छी लगी मैडम तो मचितानी ऑपरेशन हो गया अपना। हाँ, तो अच्छा हो गया हॉस्पिटल है आपका। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको अस्पताल में? कुछ भी नहीं हुई। कोई बात तो अच्छी लगी होगी ऑपरेशन कराने के लिए। मन कैसे राजी हुआ आपका कि यहीं ऑपरेशन कराऊंगी? अब देखो, ये तो किसी ने सलाह दी थी कि भाई जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल है उसमें जाओ, उसमें आपकी गांठ निकल जाएगी। गांठ निकल जाएगी आपको? सिर्फ गांठ निकलानी थी, बच्चेदानी नहीं निकलानी थी, इसलिए 6 महीने फैलो हो जाते हैं। अच्छा, तो आपको वहाँ पे जहाँ से आप अलवर से आए हो वहाँ आपको ये सलाह नहीं दी गई कि बच्चेदानी बचा सकते हैं? नहीं, उन्होंने ये की थी कि गांठ निकलेगी, फिर वहाँ पे सुनीता मीना बैठती है, डॉक्टर सुनीता मीना है, उसने सलाह दी थी मेरे को। अच्छा, यहाँ आने की एज नहीं है और आप ऐसे करो दूरबीन हॉस्पिटल। अच्छी सलाह दी ना मैडम ने, तो मैडम को थैंक यू बोलना चाहिए आपको। उन्होंने दी थी सुनीता मीना जी को धन्यवाद हमारी सबकी तरफ से, आपको सही राय दी उन्होंने किया और सही गाइड किया आपको, सही जगह पहुंचा दिया उन्होंने। फिर मेरे को कहीं नहीं जाने दिया, आप वहीं जाओ, ओटे मत जाना कहीं हॉस्पिटल में। चलो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाके उनको थैंक यू बोल के आना, बता के आना उनको कि कैसा ऑपरेशन हुआ है, कैसा इलाज हुआ है। सबसे अच्छी बात ये होती है, इतनी बड़ी गांठ के साथ बच्चेदानी को बचा के ऑपरेशन करना इज अ बिग डील। 10 सेंटीमीटर की गांठ को निकालना और फिर यूटरस को बचाना और आगे प्रेगनेंसी के लिए उसको तैयार करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, कई बार इसका पता नहीं चलता, लेकिन जैसे महीना भर ही आता है ना, तो वो भी एक लक्षण होता है। और दूसरा सबसे बढ़िया तरीका क्या है, साल भर में एक अपनी सोनोग्राफी जरूर करानी चाहिए और बेसिक खून की जांचें होती है वो करानी चाहिए। नहीं आते, इसीलिए तो प्रिवेंटिव चेकअप की बात करते हैं। क्या किया? खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं उधर, गांव में थी, अब ये अलवर शिफ्ट हुई है, तब इनके इस तरीके का कोई काम नहीं। पता चला 2 ही महीने आने दी, वैसे ज्यादा ब्लीडिंग तो मैंने फिर में सोचती। हाँ, तो खून की कमी हो जाती है ना, फिर ज्यादा ब्लीडिंग आती है, तो उसका ये फायदा मिल गया कि ट्रीटमेंट अच्छे से। ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, जो करता है सब सही करता है।